यहाँ पे आपको आ जाना है सीधा पोर्टफोलियो में और यहाँ पे आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। अभी गाइस यहाँ पे आपका जो भी पोजीशन रहेगा FNO का, सो यहाँ पे आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, उसमें आपको कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस स्टॉप लॉस लगाने से पहले यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो भी पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, उसको आपने कितनी प्राइस पर बाय किया है। सो यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैंने बाय किया 114 रुपये पे एंड मुझे इसमें 10 पॉइंट का ऐसा लगाना है। सो अभी जैसे यहाँ पे मैं 10 पॉइंट इसमें से माइनस करूँगा, सो मेरा यहाँ पे प्राइस आ जाएगा 104 का। सो 104 प्राइस का मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अभी गाइस स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको इसी पे क्लिक करना है एंड जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे आपको सेल टू स्क्वायर अप पे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने 3-4 ऑप्शन आ जाएगा। अभी स्टॉप लॉस लगाने के लिए गाइस आपको हमेशा SL लिमिट वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो SL मार्केट वाला ऑप्शन है इससे स्टॉप लॉस नहीं लगता है। सो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लिमिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो प्राइस देखने को मिलेगा, एक तो रहेगा आपका सेलिंग प्राइस एंड दूसरा रहेगा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। सो गाइस अभी यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस में डाल देना है 104। इस तरीके से मुझे यहाँ पे 104 प्राइस का स्टॉप लॉस लगाना है। सो यहाँ पे मैंने 104 एंटर कर दिया है। बाकी जो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस है इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा डाल देना है सेलिंग प्राइस से। सो यहाँ पे मैं डालूंगा 104.10 पैसा एंड बाकी इस आप चाहो तो यहाँ पे सेम प्राइस भी रख सकते हो। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इस तरीके से करोगे आपका यहाँ पे जो नॉर्मल ऑर्डर रहेगा लग जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आपको आ जाना है ऑर्डर्स में। अभी गाइस यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर लगा होगा सो यहाँ पे आपको ओपन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस लगा हुआ है एंड बाकी जो भी स्टॉप लॉस है इसको आप चाहते हैं ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। कैसे करोगे सो आपको इसी पे क्लिक करना है, इस तरीके से डिटेल्स आ जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे आप नीचे मॉडिफाई पे क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो प्राइस में। जैसे मैं आपको दिखाऊं से यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपको सेलिंग प्राइस में अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 108 कर देता हूँ एंड बाकी जो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस है इसमें भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बिना चेंजेस किए डायरेक्टली स्वाइप टू मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका ऑर्डर रहेगा यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपका ट्रिगर प्राइस है ये लिमिट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। सो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ट्रिगर प्राइस है इसमें अभी आपको चेंजेस कर देना है। सो यहाँ पे मैं 108 ही कर देता हूँ, यानी दोनों में सेम रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम स्वाइप टू मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका ऑर्डर यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर प्राइस भी 108 का हो गया है और ट्रिगर प्राइस भी यहाँ पे 108 का हो गया है। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो जो भी आपका स्टॉप लॉस रहता है। एंड बाकी गाइस अगर आपको इसको कैंसिल ही करना है सो फिर यहाँ पे सीधा कैंसिल पे क्लिक करोगे, इस तरीके से कन्फर्मेशन आएगा। यहाँ पे आप जैसे एस पे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और गाइस अगर आपको पोजीशन में टारगेट ऑर्डर लगाना है तो वो भी आप इजीली लगा सकते हो। आपको जो भी पोजीशन में टारगेट ऑर्डर लगाना है उस पर आपको क्लिक करना है एंड जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फिर से इसी तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सेल टू स्क्वायर पे क्लिक करना है, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट रहने देना है, क्योंकि इस टारगेट ऑर्डर के लिए हम लिमिट ऑर्डर का यूज करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस देखने को मिलेगा। अभी आपको जो भी प्राइस का टारगेट ऑर्डर लगाना है उस प्राइस को यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे मुझे यहाँ पे टारगेट लगाना है 145 का, सो इस तरीके से यहाँ पे मैं 145 एंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर देना है। सो इस तरीके से फिर से आपका एक टारगेट ऑर्डर लग जाएगा, यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर में देखने को मिलेगा कौन सी प्राइस का टारगेट ऑर्डर लगा हुआ है, सो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड बाकी जो भी टारगेट है इसको भी आप सेम तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो। मॉडिफाई को मैं आपको दिखाऊं से यहाँ पे मैं फिर से मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। अभी गाइस यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस में जितना भी मॉडिफाई करना है यहाँ पे आपको मॉडिफाई कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको स्वाइप टू मॉडिफाई पे क्लिक करना है, आपका ऑर्डर यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। और गाइस एक और बात, यहाँ पे मैं आपको चार्जेस बताना भूल गया। सो यहाँ पे आप देखोगे नीचे यहाँ पे आपको एस्टीमेट चार्जेस देखने को मिल जाता है, सो इस पर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप देखोगे मुझे यहाँ पे ब्रोकरेज लग रहा है 00 रुपीज, यानी टोटल चार्जेस की बात करें जो कि है 8 से 9 रुपये के आसपास। सो गाइस यहाँ पे चार्जेस इसलिए कम लग रहा है क्योंकि एक जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें मुझे कुछ भी ब्रोकरेज नहीं लगता है, ना बाइंग पे लगता है ना सेलिंग पे लगता है। सो गाइस आप इसी तरीके से जो भी कोटक न्यू ऐप है इसमें आप स्टॉप लॉस टारगेट ऑर्डर लगा सकते हो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग पोजिशन में। एंड बाकी गाइस इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, सो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।